हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज महत्वपूर्ण होगा। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा होगा? तो टॉपिक का नाम है वैश्विक सूचकांक। क्या होगा? वैश्विक सूचकांक होएगा, ठीक है। तो इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम वैश्विक सूचकांक। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आपको बताना है जो वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत 116वें स्थान पर रहा। कौन से? 116वें स्थान पर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैश्विक सूचकांक 2024 में भारत 116वें स्थान पर रहा है। सूचकांक में शीर्ष तीन स्थान किस जो हैं वो किसके? पहला स्थान आइसलैंड का, दूसरा आयरलैंड का और तीसरा ऑस्ट्रिया का। जारी करता ये जारी कौन करता है? तो इस रिपोर्ट को जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो ये आपको नोट डाउन करना है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये इसको जारी करता है। ये संस्था का नाम है जो इस सूचकांक को जारी करता है। क्वेश्चन नंबर दो है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी 159वां। भारत को कितना? 159 इस रैंक मिली है। किसमें? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में। ये आपको नोट डाउन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। टॉप थ्री कंट्री की बात करें तो पहले स्थान पर तो नॉर्वे, दूसरे में डेनमार्क, तीसरे में स्वीडन आ जाएगा। अंतिम स्थान किसका है? तो अंतिम स्थान आपका है इरिट्रिया, सीरिया और अफगानिस्तान का। तो इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो फ्रेंड, इस रिपोर्ट को जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट ब्रॉड्स, ये फ्रांस की एक एजेंसी है। कौन सी? रिपोर्ट्स विदाउट ब्रॉड्स, ये इस रैंक को जारी करता है। ये आपको नोट डाउन करना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाली देश कौन सा है? आपको बताना, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो 2024 के अनुसार जो दुनिया का सबसे खुशहाली देश है वो कौन सा है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब जल्दी से कमेंट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर तीन का सही जवाब ऑप्शन ए फिनलैंड हो जाएगा। ऑप्शन ए फिनलैंड जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार इसी सबसे खुशहाली देश की शीर्ष रैंक पर है, ये कौन है? फिनलैंड है। ये आपको याद रखना है। तो ये टॉप थ्री कंट्री की बात करते हैं, एक नंबर पे आएगा फिनलैंड, दूसरे में डेनमार्क और तीसरे में आइसलैंड आएगा। भारत कुल 143 देशों की रैंक में किस उसकी रैंक क्या है? तो अपने भारत देश की 126वीं रैंक है। कुल कंट्री की बात करें तो 143 कंट्रियों में अपने भारत की 126वीं रैंक है। ये आपको याद कर रखना है। वर्ष 2024 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को ये भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक यानी करप्शन में भारत की कौन सी रैंक है? तो फ्रेंड, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। तो इंडिया की 93 रैंक है। कौन सी? 93। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 93 इंडिया की ये रैंक है। किसमें? भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में। जारी कौन करता है? तो इस रिपोर्ट को जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है ये। इसकी स्थापना 1993 में होती है। कब होती है? तो 1993 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय की बात करें तो बर्लिन जर्मनी में है। भारत की रैंक कितनी है? तो 180 देशों में भारत की 93 रैंक है। कितनी? 93 रैंक है। शीर्ष तीन देशों की बात करें तो इस रैंक में शीर्ष तीन जो देश हैं वो कौन सा है? पहला आपका डेनमार्क, दूसरा फिनलैंड और तीसरा न्यूजीलैंड हो जाएगा। अंतिम स्थान सोमालिया का है। किसका? तो अंतिम स्थान जो है ये किसका है? तो ये सोमालिया का है। ये आपको नोट डाउन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ये सोमालिया का ये अंतिम स्थान हो जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो 2024 की रिपोर्ट है इसमें भारत की रैंक कौन सी है? तो फ्रेंड, इसमें भारत की 82 यानी कि 82वीं रैंक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की कौन सी रैंक है? 82वीं रैंक है। ये आपको नोट डाउन करना है। जारी करता कौन है? तो इस रिपोर्ट को जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया भर के कुल 6 देशों ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देश कौन से हैं? ये फ्रांस हो जाएगा, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर शामिल है। भारत की रैंक 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की कितनी? तो 82वां ये स्थान मिला है भारत को। ये आपको नोट डाउन करना है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत 146 देशों में कौन से स्थान पर है? तो ग्लोबल जेंडर गैप्स इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक है फ्रेंड 129वीं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ग्लोबल जेंडर गैप्स इंडेक्स में आपको याद रखना है जो अपना इंडिया है इसकी रैंक 129वीं रैंक ये भारत की आई हुई है। ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? मानव विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट में भारत को जो स्थान मिला है फ्रेंड, ये मिला है 134वां। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत का स्थान कितना? 134वां स्थान है ये मानव विकास सूचकांक में। अगर बात करें मानव विकास सूचकांक में कुल देशों की संख्या कितनी है, तो 193। कुल कितने देश हैं इसमें? 193। टॉप कंट्री कौन सी है? स्विट्जरलैंड इसमें टॉप कंट्री हो जाएगी। भारत का स्थान 134वां स्थान ये भारत का स्थान है। और अंतिम स्थान किसका है? तो अंतिम स्थान ये सोमालिया का है। जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP इसको जारी करता है। जो UNDP है तो फ्रेंड इसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपको याद रखना है और नोट डाउन भी करना है। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है फ्रेंड? तो ये मिला है 10वां स्थान भारत को मिला है। ये आपको नोट डाउन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में जो टॉप 4 कंट्री हैं वो कौन कौन सी है? तो पहले पे रूस, सेकंड यूक्रेन, थर्ड चाइना और फोर्थ नंबर पे आता है अमेरिका का। ठीक है, तो फोर्थ नंबर की रैंक किसकी? अमेरिका की हो जाएगी। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो ये आपको बताना है, जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पे है फ्रेंड? ये है स्वीडन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वीडन ये शीर्ष स्थान पर है किसमें? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। 2024 में 120 देशों में 63वां स्थान भारत में 63वां 2023 में तथा भारत 67वें स्थान पर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग में ये सबसे शीर्ष पे कौन सा देश है? तो फ्रेंड ये है आपका सिंगापुर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सिंगापुर ये शीर्ष स्थान पर रहा है। जारी करता, इसको जारी कौन करता है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसको जारी करता है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ? लंदन इंग्लैंड में है। भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की बात करें तो 91वीं रैंक भारत की है। कौन सी? 51 रैंक है। टॉप 3 कंट्री की बात करें तो टॉप 3 में कौन कौन? पहला तो सिंगापुर, दूसरा कनाडा और तीसरा डेनमार्क का नाम आता है। वैश्विक भूख सूचकांक 2023-24 यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो वैश्विक जो भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसकी, इसमें भारत की रैंक कौन सी है ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये आपको छाप लेना है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी 111वीं रैंक है। भारत की वैश्विक भूख सूचकांक में 111वीं रैंक है 2023 में। ठीक है, इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? इसको जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्डन हंगर हिल्फे द्वारा प्रकाशित किया जाता है। टोटल कंट्री की बात करें तो 125 देश की इसमें लिस्ट बनती है और टॉप कंट्री बेलारूस है। भारत का स्थान 111वां है। वैश्विक सोच भूख सूचकांक की गणना कैसे की जाती है? तो फ्रेंड इसकी गणना की जाती है अल्प पोषण के आधार पर, बच्चों का बौनापन इसके अकॉर्डिंग और बाल दुर्बलता के अकॉर्डिंग और बाल मृत्यु दर के अकॉर्डिंग इसकी गणना की जाती है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी? तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब ऑप्शन डी 7वीं रैंक है। तो इंडिया की कौन सी रैंक है? 7वीं रैंक है ये किसमें? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। इसको जारी कौन करता है? तो जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इसको जारी करता है। टोटल कंट्री तो 63 प्लस और यूरोपियन यूनियन इसमें टोटल कंट्रियाँ हैं कितनी? 63 प्लस एक है यूरोपीय यूनियन। टॉप कंट्री डेनमार्क, इसका कौन सा चौथा स्थान मिला? पहला और दूसरे तीसरे स्थान पे कोई नहीं रहता है, डायरेक्टली चौथे स्थान पे दिया जाता है, वही टॉप करता है। भारत का स्थान इसमें कौन सा है? तो 7वां स्थान है, ये आपको नोट डाउन करना है। हाल ही में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब ऑप्शन सी 15वीं रैंक भारत को मिली है। कौन सी? 15वीं रैंक, ये आपको छाप लेना है। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है फ्रेंड? तो यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड जिसको बोलते हैं, तो यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसको जारी करता है। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। टोटल कंट्री कितनी? तो 187 कंट्री हैं। टॉप किसने किया? तो अमेरिका ने। भारत का स्थान 15वां है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो सतत विकास रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है फ्रेंड? ये मिला 109 स्थान। तो भारत को 109 स्थान मिला, ये आपको नोट करना है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा
विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटक विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कौन सी है? तो फ्रेंड भारत की रैंक 39वीं रैंक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जारी कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। टॉप थ्री कंट्री की बात करें तो टॉप थ्री कंट्री में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर, दूसरे पे स्पेन और तीसरे में जापान आ जाएगा। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम इसका मुख्यालय कहाँ? तो स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1971 को यह गठित हुआ था। ठीक है, ये नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 भारत में कौन से स्थान पर रहा? जो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो फ्रेंड ये तीसरे स्थान पर रहा। थर्ड रैंक थी भारत की किस्मत, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में थर्ड स्थान पर इंडिया रही है। हरून रिपोर्ट के अनुसार फूड डिलीवर प्लेटफॉर्म स्विगी और फैंटेसी स्पोर्ट केंद्रीय ड्रीम इलेवन भारत के सबसे वैल्यूएबल $8 बिलियन था जो मूलवान यूनिकॉर्न है, उनमें से प्रत्येक का जो जारी करता कौन है? तो हुरून इसको जारी करता है। हुरून कंपनी ये संघाई चीन में स्थित है। टॉप कंट्री की बात करें तो टॉप थ्री कंट्री फ्रेंड कौन कौन सी हैं? तो पहले अमेरिका, दूसरी चीन और तीसरी भारत आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलिकल्चर प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 जारी किया गया, कौन सा स्थान भारत को इसमें मिला है? फ्रेंड तो भारत को इसमें स्थान मिलता है ऑप्शन बी, यानी कि 42वां स्थान भारत का रहा है। ठीक है, जारी कौन करता है? तो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर US द्वारा ये जारी किया जाता है। टोटल कंट्री की बात करें तो 55 देश इसमें कुल प्रतिभाग लेते हैं। भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 42वां है, 42, ये इंडिया का रैंक है। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में भारत के जो रैंक है फ्रेंड ये है 42वीं रैंक है, 42 रैंक है। ठीक है, ये आपको नोट डाउन करना है। भारत 42वीं रैंक है भारत की, 2024 से चेंज नहीं हुआ, यानी कि 2022 से ये प्रॉपर 42वीं रैंक पे आ रहा है। जारी कौन करता है? तो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस रिपोर्ट को जारी करता है। टॉप थ्री कंट्री कौन कौन सी हैं? USA, UK और तीसरे पे फ्रांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमी ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में मुंबई कौन से स्थान पर है? तो मुंबई का स्थान कौन सा है फ्रेंड? मुंबई का स्थान आ जाएगा 427, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आ जाएगा, 427। ये ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटी इंडेक्स में मुंबई 427वें रैंक पर, यह आपको याद रखना है। यह रैंक दुनिया के 1000 शहरों की तुलना करती है। बेंगलुरु की रैंक 411, मुंबई की रैंक 427, सूचकांक में सबसे अंतिम यानी कि 1000वें स्थान पर उत्तर प्रदेश का कौन है? सुल्तानपुर है। टॉप थ्री कंट्री की बात करें तो कौन कौन से हो गए? तो इसमें टॉप थ्री कंट्री में फर्स्ट न्यूयॉर्क, सेकंड लंदन और थर्ड में सैन जोस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो लोकतंत्र रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है फ्रेंड? ये ऑप्शन डी, 104वां, कौन सा? 104वीं रैंक ये भारत की आई है, ये आपको याद रखना है। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो व्यूडम गेदरबर्ग इंस्टीट्यूट एट स्वीडन यूनिवर्सिटी ये इसको जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो ग्लोबल फायर पावर में कौन सा? अमेरिका इस पर टॉप पर रहा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में फर्स्ट स्थान पर रहा है, ये आपको नोट डाउन करना है। इस रैंकिंग में कुल 145 देश को उनकी सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई, तो कितने कुल 145 देशों ने इसमें प्रतिभाग किया था? भारत का स्थान कौन सा है? तो चौथा स्थान आता है। जारी कौन करता है? ग्लोबल फायर पावर इस रिपोर्ट को जारी करता है। टोटल कंट्री की बात करें तो 145 जो टॉप कंट्रियां हैं उसमें कौन कौन सी? अमेरिका फर्स्ट स्थान पे, रूस सेकंड पे और चाइना थर्ड स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार 12वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मैचासुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कहाँ की? अमेरिका की एक विश्वविद्यालय है, ये टॉप पे रहा है। ठीक है, भारतीय यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है वो कौन कौन सी है? तो फर्स्ट पे मैचासुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका की, सेकेंड पे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड का, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड का ये थर्ड नंबर पे रहा है, और IIT बॉम्बे 149वीं रैंक, IIT दिल्ली 197वें रैंक, ये आपको याद रखना है। IIS बेंगलुरु ये 225 रैंक, तो IIS बेंगलुरु की कितनी रैंक है? 225 रैंक है। जारी कौन करता है? इसको जारी करता है क्वेरेली सिमोंड्स, ये इंग्लैंड की एक संस्था है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की जो रैंक है वो कौन सी है? 38वीं रैंक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 38वीं रैंक भारत की है, ये आपको नोट डाउन करना है। सूचकांक में शीर्ष तीन देश कौन कौन से हैं? तो पहले स्थान पर सिंगापुर, दूसरे में फिनलैंड, तीसरे में जर्मनी आ जाएगी, जो ठीक है ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, समलैंगिक असमानता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो जो लैंगिक असमानता है सूचकांक, इसमें भारत की जो रैंकिंग है फ्रेंड ये कौन सी, 108 है, 108 ये इंडिया की रैंकिंग, ये आपको नोट करना है। भारत की रैंकिंग 108 है, इसको जारी कौन करता है? तो UNDP इसको जारी करता है। टॉप थ्री कंट्री में पहले स्थान पर डेनमार्क, सेकंड स्थान है नॉर्वे का, और थर्ड स्थान किसका, स्विट्जरलैंड का हो जाएगा। तो फ्रेंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो भविष्य संभावना सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो भविष्य संभावना सूचकांक 2024 में भारत की जो रैंकिंग है फ्रेंड ये आ जाएगी 35, 35वीं रैंकिंग भारत की है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जारी कौन करता है? तो इस रिपोर्ट को न्यूज वीक, वेंटेज एंड हेरिजोन ग्रुप इसको जारी करता है। टॉप टू कंट्री की बात करें तो पहले स्थान पर जापान और दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया रहा है। तो फ्रेंड अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।